आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस होता क्या है, इसका कितना टाइप होता है और कब कब करना चाहिए, और इसका कॉम्प्लिकेशन सब क्या क्या होता है करने के बाद। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है जो कि यूज किया जाता है हमारे ब्लड से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए, लेकिन ये उसी टाइम में किया जाता है जब किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करता है या एकदम किडनी फेल हो गया रहता है तब, क्योंकि किडनी का ही नॉर्मल फंक्शन होता है वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को फिल्टर करने का ब्लड से। डायलिसिस दो तरीके से किया जा सकता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस। एक होता है हेमोडायलिसिस। इन हेमोडायलिसिस ब्लड इज पम्प आउट ऑफ द बॉडी टू एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन जिसको डायलाइजर बोलते हैं, वेयर इट इज क्लीन बिफोर बींग रिटर्न टू द बॉडी। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन होता है जिसको डायलाइजर बोलते हैं। ये मशीन के हेल्प से हमारे बॉडी से ब्लड पम्प आउट होके मशीन में जाता है, वहाँ पे क्लीन होता है और फिर रिटर्न होकर हमारे बॉडी में आता है। दो नंबर में पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी होता है ना एब्डोमेन में, उसमें डायलिसिस का सोल्यूशन होता है, उसको भेजा जाता है कैथेटर के मार्फत, जिसको हम लोग डायलिसेट बोलते हैं। वो पेरिटोनियल कैविटी में जाके एब्जॉर्ब करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस फ्लूइड को, और ड्रेन आउट होता है आफ्टर ए सर्टेन ड्यूअल टाइम। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस कब किया जाता है। एक नंबर में डिक्रीज किडनी फंक्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एकदम ज़्यादा कम, 15 से नीचे हो जाता है, मतलब एंड स्टेज रेनल डिजीज में, एक्यूट किडनी इंजरी में, क्रोनिक किडनी डिजीज में डायलिसिस जरूरी पड़ता है। दो नंबर फ्लूड ओवरलोड। बॉडी में फ्लूड ओवरलोड होने पर, किडनी फ्लूड को बैलेंस नहीं कर पाने पर बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे टाइम में भी डायलिसिस का जरूरत पड़ता है। तीन नंबर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, खास करके हाइपरकैलेमिया मतलब पोटासियम लेवल बढ़ने पर या हाइपोफॉस्फेटेमिया होने पर डायलिसिस का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एकदम डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे कार्डियक एरिथमिया और मसल वीकनेस। चार नंबर में एसिड बेस इम्बैलेंसेज, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ब्लड में पीएच लेवल एकदम कम हो जाता है क्योंकि किडनी एसिड का एक्सक्रीशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। लिखने में नंबरिंग रॉन्ग हो गया है, ये पाँच नंबर है। यूरेमिक सिम्टम्स जैसे कन्फ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, न्यूरोपैथी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, ऐसे में भी डायलिसिस का जरूरत पड़ता है। छः नंबर में अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर दवा से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं होता है तो ऐसे में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ऐसे में भी डायलिसिस का जरूरत पड़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस। एक नंबर में इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द एक्सेस साइट फॉर हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हाइपोटेंशन, डायलिसिस के टाइम में या डायलिसिस के बाद में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तीन नंबर में मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प खास करके हेमोडायलिसिस के टाइम में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होता है। चार नंबर में एनेमिया, खून की कमी डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल और लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डायलिसिस के कारण होता है। पाँच नंबर में बोन डिजीज, इम्बैलेंस इन कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल लीडिंग टू वीकन बोन, हाइपोकैल्शेमिया हो जाता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है, मतलब इम्बैलेंस होता है जिसके कारण बोन्स पर असर करता है। फ्लूइड ओवरलोड और डिहाइड्रेशन, डायलिसिस के टाइम में डिफिकल्ट होता है मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। सात नंबर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम का जो लेवल होता है एकदम कभी हाई या कभी लो हो जाता है। आठ नंबर में कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। नौ नंबर में एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेशन, डायलिसिस के लिए जो रास्ता बनाया गया रहता है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम विथ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला और ग्राफ्ट फॉर हेमोडायलिसिस। दस नंबर में डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ये रेयरली होता है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है जैसे हेडेक, नौजिया, कन्फ्यूजन, ये रहा कॉम्प्लिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।